हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। तो आज जो हम देखने वाले स्पेशली स्टैंडर्ड 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड के काम में आने वाला ये टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स, जिसमें 2x2 ऑर्डर के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है डिटरमिनेंट ऑफ 5, 3, -7, 0। तो देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 5, 3, -7, 0। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही आराम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो फर्स्ट नंबर आपको दिखाई देता है, ठीक है, यहां से क्रॉस में ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, 5 और 0, इन्हें कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर आपको दिखाई देता है वहां से क्रॉस में जाइए, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, मींस 5 × 0। उसके बाद बीच में आपको माइनस साइन देना है और उसके बाद बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बचे हुए नंबर्स कौन से आपके, 3 और -7, तो 3 × -7 इसे मल्टीप्लाई कर रही। अब आगे तो देखते हैं, 5 × 0, 0 होता है, माइनस है तो माइनस, 3 × -7, -21 होता है, और अब ये 0 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होता है और ये 21 आपका, 0 + 21, 21। तो आइए चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है -8, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ -8, -3, 2, 4। तो आपको करना क्या है, जो सबसे पहला नंबर आपको दिखाई देता है वहां से आप क्रॉस में जाएंगे, जो नंबर दिखाई देता है उससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स -8 × 4, ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई। बीच में हमेशा माइनस साइन देना है, उसके बाद जो बचे हुए दो नंबर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, और वो है -3 और 2, मींस -3 × 2, ये हमने मल्टीप्लाई किए। अब इसे सिंप्लीफाई करते तो -8 × 4, -32 होता है, उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज, -3 × 2, ये -6 होता है। अब -32 एज इट इज, मतलब जैसा का वैसा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये आपका 6 एज इट इज। उसके बाद माइनस प्लस माइनस मींस 32 में से 6 को माइनस करना है, मींस ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस, तो 32 में से 6 माइनस करते 26, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का, तो ये रहा आंसर -26। तो देखते थर्ड एग्जांपल, 2√3, 9, मींस डिटरमिनेंट ऑफ 2√3, 9, और साथ में है 2, 3√3। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 2√3, यहां से आप क्रॉस में जाएंगे, जो नंबर दिखाई देता है उससे मल्टीप्लाई करना है, मींस 2√3 × 3√3, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए। बीच में हमेशा माइनस साइन देना है, ये याद रखिए। उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, मींस 9 और 2, ये बचे हुए नंबर्स है, इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मींस 9 × 2। अब देखिए सिंप्लीफाई करते तो रूट वाले नंबर को रूट से सिंप्लीफाई करना है, और जो रूट के बाहर नंबर दिखाई देते उनको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, मींस ये 2 है और ये 3, 2 × 3 ये 6 होता है, और √3 × √3 ये 3 होता है। फिर बता रहा हूं, √3 × √3 3 होता है, ये माइनस साइन एज इट इज, 9 × 2 18, और अब 6 × 3 ये 18 हुआ, माइनस साइन एज इट इज, ये आपका 18, और अब 18 − 18 0, तो ये रहा इसका आंसर। चलते हैं फोर्थ एग्जांपल पर। देखिए, इसमें जो सबसे पहले नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है यहां 7/3, उसके बाद यहां 5/3, नीचे में है 3/2 और 1/2। तो जैसे कि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते, जो फर्स्ट नंबर आपको दिखाई देता है वहां से क्रॉस में जाइए, जो नंबर आपको दिखाई दे उससे मल्टीप्लाई, मींस 7/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये हमने कर लिए। उसके बाद बीच में माइनस साइन देना है, उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई, तो बचे हुए नंबर्स कौन से हैं, 5/3 और 3/2, मींस 5/3 × 3/2,
और अब इसे सिंप्लीफाई करते तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो देखते हैं 7 × 1 ये 7 अपॉन में 3 × 2 ये 6 हुआ, ये माइनस साइन एज इट इज। उसके बाद फिर यहां पर भी सेम वही प्रोसेस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मतलब ऊपर वाले नंबर को ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 15 हुआ, नीचे वाले नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई मतलब 3 × 2 ये 6। अब देखिए यहां पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल लीजिए, मतलब 6 सेम था कॉमन निकाले, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा ये 7 ये माइनस और 15। अब ये 7 प्लस में है 15 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस, मतलब 15 में से 7 माइनस किए तो 8, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के सामने वाला ये, और अब अपॉन में क्या है 6। यहां अगर डिवीजन पॉसिबल है तो डिवाइड जरूर कीजिए, तो देखिए 2 का टेबल यहां पर जाता है तो 2 का टेबल 4 × 8, 2 का टेबल 3 × 6, तो आंसर हमें मिलेगा -4/3। तो देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ 2i 3, नीचे में है 4 - i, तो हमेशा की तरह इसे सिंप्लीफाई, फर्स्ट नंबर जो दिखाई देता है वहां से क्रॉस में जाइए, जो नंबर दिखता है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, मींस 2i × -i, बीच में हमेशा माइनस साइन देना है, उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन वो है 3 और 4, मीन्स 3 × 4। अब आगे सिंप्लीफाई करते तो 2i × i ये होता है 2i² और यहां देखिए ये नंबर प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस साइन एज इट इज। 3 × 4 होता है 12। अब आगे तो ये -2 एज इट इज और i² तो आपको बता दूं i² का वैल्यू होता है -1। आई को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है जिसमें i² का वैल्यू होता है -1, तो मैं i² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पे, मतलब रखने जा रहा हूं -1, उसके बाद ये -12 एज इट इज, -2 × -1 ये होता है माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2 ये -12 एज इट इज, 2 − 12 ये होता है -10। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 − 2 − 3 = 1, तो यहां पर भी आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस साइन, फिर जो बचे हुए नंबर्स हैं आपके वो है -2 − 3, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमने कर दिए। अब सिंप्लीफाई, 5 × 1 = 5 होता है, ये माइनस साइन एज इट इज, यहां देखिए ब्रैकेट में -2 × -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 3 = 6। अब +5 − 6 तो ये होता है -1, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने डिटर्मिनेंट्स 2/2 ऑर्डर देखा है, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा डिटर्मिनेंट्स 3/3 ऑर्डर पर, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमित सर।